गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर मेरी आंखें आपको कुछ अजीब लग रही हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर करें, क्योंकि रात को हम लोग सोए हैं 1 बजे और अभी टाइम हो गया है 5:10, क्योंकि कुछ मेहमान कल आ चुके हैं और कुछ मेहमान आज हमें मेहमान नवाजी का मौका देंगे, तो उसकी मैंने बहुत सारी प्रेपरेशंस करनी है। आज हमारे बहुत ही क्लोज रिलेशन में फंक्शन है मेरे इन लॉज वाली साइड पे, क्योंकि वो फंक्शन लोकल है, तो जो भी गेस्ट्स आ रहे हैं उनमें से कुछ गेस्ट जो हैं वो हमें मेहमान नवाजी का मौका देंगे, तो उसकी मुझे कुछ तैयारियां करनी है। फटाफट मुझे लंच प्रिपेयर करना है क्योंकि फंक्शन है रात का, तो वो लोग लंच आज अभी यहीं पर ही करेंगे। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे व्लॉग में। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी। अरे अब इतने बड़े हो गए हो, गुड बॉय। डॉगी भी है, ब्लैक कलर का डॉगी। सारी मेजर क्लीनिंग तो मैंने एक दिन पहले ही करवा ली थी, उसके बाद बचता था काम मील प्रिपेयर करने का, तो वो भी प्री प्लान था कि क्या कैसे और कितने बजे तक सब ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब गेस्ट्स घर में होते हैं और हम किचन से ही नहीं निकल पाते। हॉस्पिटैलिटी का मतलब बस अच्छा खाना सर्व करना नहीं होता, बल्कि गेस्ट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वालिटी टाइम ही रिश्तों को करीब लेके आता है। जैस्मिन ने बाल स्ट्रेट करवाने जाना है, बट शी इज नॉट गोइंग। बोल दिया अगर मुझे लेट करवाया ना तो तू खुद रेडी होगी, आज मैं तेको रेडी नहीं करूंगी। मैं वैसे भी खुद ही रेडी होती हूँ। पक्का? यस। नहीं मतलब आज आपने सुन लिया कि वो खुद रेडी होगी, तो ठीक है ठीक है, फिर अब ये खुद ही रेडी होगी। यार तो यही लड़की है जो कह रही थी कि मम्मा मैं खुद रेडी हो जाऊंगी, तो आपको मुझे रेडी करने की जरूरत नहीं। तो अभी आपको किसने रेडी किया है? मैंने खुद ने। वाओ, वेरी फनी। मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कि इस टाइम मेरी शक्ल क्या बनी हुई, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ और जैस्मिन को मैंने रेडी कर दिया, क्योंकि ये खुद रेडी कभी नहीं हो सकती। हो गए हैं रेडी, बाकी सब लोग रेडी होके कब के निकल चुके हैं, लेकिन क्योंकि मेरे मियाँ जी अभी तक आए नहीं हैं, तो जैसे ही वो आएंगे तब फिर हम भी निकलेंगे। सर आप रेडी हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? ना, मैं अभी नहीं। गाइस मेरे हर व्लॉग में आपको यही सीन देखने को मिलेगा कि मैं सबसे लास्ट में तैयार हो रहा हूँ। यस, कि तुम हमेशा सबसे लास्ट में ही तैयार होते हो, क्योंकि मैं सबको तैयार करके फिर तैयार होता हूँ। इट्स सो सैड कि आज हम स्टफी को अकेला छोड़ के जा रहे हैं। सारे काम एक साथ ही होते हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट हैं और ऊपर से गाड़ी के टायर में हवा भी कम है, तो पहले जाएंगे हम हवा डलवाने के लिए और उसके बाद जाएंगे वेडिंग पे। और मम्मा के 4-5 फोन हमें आ चुके हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो। मेरे व्लॉग में कभी भी आप देख लेना, आप कोई भी व्लॉग उठा के देख लेना, जहाँ पे भी हम साथ में जा रहे होते हैं हमेशा हमेशा ये शख्स लेट, और ये बात उनको अच्छे से बार पता बोलने से ना ये चीज पक्की हो जाती है जबरदस्ती में। ये जबरदस्ती है, पक्की वाला कोई चीज सीन नहीं है, ठीक है ना। जबरदस्ती में सब जानते हैं कि हाँ भाई लेडीज सबसे लेट करती है। मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। इतने सारे व्यूअर्स जानते हैं कि सब कुछ करने के बाद मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ, ठीक है ना। अब जो बंदा सुबह से रेडी हो रहा हो तो लास्ट रात तक रेडी हो ही जाएगा। हाँ, और शाम तक हम तो अपना काम करके आते हैं सारा ऑफिस का। सही बात है। ये इनको, ये जितने भी मेन होते हैं ना, इनको ये लगता है
कि हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन ये बात पता है सबको कि लेडीज कितना काम करती हैं। देखना पसंद करते हैं। आई नो कि ये व्लॉग उनके लिए बहुत ही छोटा सा व्लॉग है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत बिजी थी, जितना मैं शूट कर पाई उतना मैंने किया। सो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।